हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सुनैना, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्मार्ट वे इन्वेस्टमेंट्स। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, यंग रिटायर रिच रिटायर, द मैजिक ऑफ SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फ्रेंड्स, सभी पर्सन्स कुछ ना कुछ कमाते हैं, लेकिन कमाने के तरीके अलग होते हैं। कोई जॉब करता है, सैलरी लेके इनकम जनरेट करता है अपनी, कोई प्रोफेशनल होता है जैसे डॉक्टर हो सकता है, कोई CA हो सकता है, तो वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज से फीस अर्न करते हैं। कोई पर्सन बिजनेसमैन हो सकता है, वो अपने बिजनेस से अपनी इनकम जनरेट करता है। तो फ्रेंड्स, इन सब की जो इनकम है वो एक ऑर्डिनरी इनकम है, क्योंकि इनको कुछ भी अर्न करने के लिए अपना टाइम डिवोट करना पड़ता है, इनको फिजिकली वहाँ पे रिप्रेजेंट रहना पड़ता है, इनके पास लिमिटेड टाइम आवर्स होते हैं। इन सब का जो टाइम है वो ऑर्डिनरी टाइम है। जैसे कि अगर ये जितना काम करेंगे उतना ही ये पैसा कमा सकते हैं, ये अपनी लाइफ का पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। मतलब नो वर्क नो इनकम, अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये इनकम भी जनरेट नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो रिटायरमेंट है वो यंग एज में हो और एक रिच रिटायरमेंट हो, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो हमारी इनकम है वही हमें आगे हमें इनकम जनरेट करके दे। मतलब हमें एक पैसिव इनकम मिले, जो हम अर्निंग कर रहे हैं वो हमारी एक्टिव इनकम है। मतलब अगर हम कमाएंगे तो ही हम अपना गुजारा कर सकेंगे। तो फ्यूचर में जब हम कमाना छोड़ देंगे तो हमारे पास कोई ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए सो देट हम अपनी आगे वाली लाइफ को एंजॉय कर सकें। हम रिटायरमेंट एज को ज़्यादातर 50-60 पे मानते हैं, लेकिन अगर हम एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर लें तो हम अपनी रिटायरमेंट को यंग रिटायरमेंट एंड रिच रिटायरमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे रिटायरमेंट हो कि हमारी जो इनकम है वो हमें कुछ पैसा जनरेट करके दे, हम अपनी चॉइस से अपना काम करें। अगर हमारा मन करेगा तो हम काम करें, नहीं तो कोई ज़रूरत ना हो, हम अपनी टाइमिंग को अपने हिसाब से शेड्यूल करें। इस तरह से हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन इसके लिए सभी पर्सन्स को जो जॉब करते हैं, जो प्रोफेशनल हैं या जो कोई बिजनेसमैन है, उन सबको इन्वेस्टर बनना होगा। इन्वेस्टर बनने के लिए उनको अपनी एक्टिव इनकम को अपनी पैसिव इनकम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एफर्ट्स करने होंगे। उन सबको एम्प्लॉयज से, प्रोफेशनल से या बिजनेसमैन से अपने आप को शिफ्ट करना होगा इन्वेस्टर के रूप में। इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें इसके लिए अपनी इनकम का कम से कम 20% तक इन्वेस्ट करना होगा, सेव करना होगा। इसके लिए हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारी इनकम 50,000 है और उसका 20% मतलब 10,000 पर मंथ हम इन्वेस्टमेंट करें और 40% हम अपने एक्सपेंसेस मान के चलें। तो इसके लिए जो 10,000 की जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कहाँ करेंगे, हमने कुछ 25 म्यूचुअल फंड्स की कुछ डिफरेंट स्कीम्स के ऊपर एक बैक टेस्टिंग करी है, जिससे हम आपको एक रिटर्न जनरेट करके दें। क्या है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड के किसी डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड में डाल देना एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके लिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट कुछ अलग अलग इंटरवल्स पे, मंथली इंटरवल्स पे, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अगर हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करें तो हमें रुपी कॉस्ट एवरेज मिल जाती है और हमें उसकी अच्छी रिटर्न मिल जाती है। इसके बिना भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, RD में करते हैं, FDs में करते हैं, गोल्ड सिल्वर में करते हैं, लेकिन उनकी जो रिटर्न है वो 6-7% की होती है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करती। हमें रिटर्न तो मतलब ही नहीं कि उसका कोई मिल जाए। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं मैजिक ऑफ सिप में। अगर हम 8 साल तक इन्वेस्टमेंट करें, हमारी जो सेविंग है हमने 50,000 के ऊपर जो आपको पहले एग्जाम्पल दी थी उसी के हिसाब से हम आपको कैलकुलेशंस करके दे रहे हैं। अगर हम 8 साल तक 10,000 पर मंथ के हिसाब से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें और 8 साल के बाद हम वही 10,000 पर मंथ लेना शुरू कर दें, तो 30 साल तक हम वो 10,000 पर मंथ ले सकते हैं और मैच्योरिटी पे भी हमें 16 लाख रुपये मिल जाते हैं। और अगर हम उसी टाइम पीरियड को 15 ईयर्स का कर दें, तो 15 इयर्स तक हम इन्वेस्टमेंट 10,000 पर मंथ करें, तो हमें अपनी जो पर मंथ इन्वेस्टमेंट करी थी उसका हम 3 गुना तक पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और लास्ट में जो हमें मैच्योरिटी मिलेगी वो हमें मिलेगी 49 लाख।
अगर हम इसी इन्वेस्टमेंट को 20 ईयर्स के लिए थोड़ा सा और इसका टाइम पीरियड लंबा कर दें तो 10,000 की पर मंथ की इन्वेस्टमेंट वही रहेगी, लेकिन आफ्टर द टाइम पीरियड कंप्लीशन हमें वही 10,000 का 6 टाइम मल्टीपल्स हम उसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स ले सकते हैं। मतलब हर महीने हमें एज अ पेंशन 60,000 पर मंथ मिलेगा और मेच्योरिटी भी हमारी 98 लाख पे होगी। मतलब आफ्टर 30 ईयर्स हम 60,000 पर मंथ लेने के बाद हमारे पास जो मेच्योर्ड अमाउंट होगी वो 98 लाख है। ये जो हमने रिटर्न निकाली है ये हमने 12% की रिटर्न निकाली है और जो आपको वापस पेंशन मिल रही है वो हम 8% के हिसाब से दे रहे हैं। फ्रेंड्स ये हमने काफी कंजर्वेटिव रिटर्न दी है। इसमें हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने 8 साल में पैसा डाला वो कितना डाला, हमें उस पैसे के ऑपोजिट क्या मिलेगा और मेच्योरिटी में हमें क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमने 8 साल में जो 10,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करी तो टोटल डिपॉजिट हमारा वो 9.5 लाख हुआ और जो हमने विड्रॉल किया वो 36 लाख है और जो मेच्योरिटी है वो 16 लाख है। मतलब हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट करी है उसका कम से कम 6-7 गुना पैसा वापस मिल रहा है। अगर हम वही इन्वेस्टमेंट 15 ईयर्स में करते तो 18 लाख हमारी पॉकेट से जाता और उसकी जो वापस हमें रिटर्न 30 ईयर्स तक आती पर मंथ के हिसाब से 30,000 पर मंथ वो हमें मिलती 108 लाख, मतलब 1 करोड़ 8 लाख। और जो मेच्योरिटी अमाउंट होती वो अप्रॉक्स 49 लाख है और अगर हम 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करें तो वो 24 लाख हमारी पॉकेट से जाता है और 2 करोड़ 16 लाख हमें वापस मिलता है और मेच्योरिटी पे भी हमें एक बड़ी हैंडसम अमाउंट मिलती है वो है 98 लाख। बड़ी कंजर्वेटिव रिटर्न निकाली हुई है। तो जैसे हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में थोड़ा थोड़ा करके कुछ इंटरवल्स में पैसा डाला है तो इसका मतलब यही है कि जैसे हम कोई प्लांट लगाते हैं उस प्लांट को भी हम टाइम टू टाइम खाद डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो ऐसे ही हमें पर मंथ अपनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा डालना होगा। हमें उसको स्टॉप नहीं करना है, धीरे धीरे करके ये हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का प्लांट जो है वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है सो देट हम इसके फ्रूट्स को इंजॉय कर सकें और हम अपनी जो रिटायरमेंट है वो यंग एज पे ही ले सकें और एक रिच रिटायरमेंट इंजॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें कुछ की पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होगा ताकि हमारा ध्यान डाइवर्ट ना हो। हमें पेशेंस रखनी होगी, जितनी जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेनी चाहिए। हमें डेली न्यूज़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि डेली न्यूज़ के अगर हम देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने पाथ से डाइवर्ट हो सकते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। हमें अपने फंड की NAVs नहीं चेक करना चाहिए क्योंकि हमने अगर उसको सोचा हुआ है कि हमने लंबे टाइम पीरियड के लिए जाना है तो हमें उसकी एवरेज पढ़ने देना चाहिए। हो सके तो कभी कभी जो इन्वेस्टमेंट आपकी कंटिन्यू है उसमें अगर आपके पास एक्स्ट्रा कभी सेविंग बच जाए तो उसमें एक्स्ट्रा टॉपअप भी डालना चाहिए। इससे हमें और भी अच्छी रिटायरमेंट मिलती है और जो हमारा हमने 8 साल का टेन्योर लगाया है वो 8 साल का टेन्योर और भी जल्दी हमारा अचीव हो सकता है। हमें अपनी सिप को किसी गोल के साथ अटैच करना चाहिए। अगर हम ये की पॉइंट्स अपने माइंड में नहीं रखते तो मोस्ट प्रॉब्ली हम देखते हैं कि हमारे 50% इन्वेस्टर्स पहले 6 साल में ही अपने पैसे विड्रॉल करके ले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें इसके रिटर्न अच्छी नहीं मिलेगी। तो प्लीज इसको कंटिन्यू करें, इसको लंबे टाइम तक लेके जाएं तो आपको एक बड़ी अच्छी यंग और रिच रिटायरमेंट मिलती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।